तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको जागरूक करते हैं सरकारी योजनाओं के प्रति, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न मिशनों के प्रति। जी हां, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बता दें आपको, हम आपको जागरूक करने वाले हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रति। बहुत ही अच्छा मिशन है ये, लेकिन क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपके लिए यह अच्छा बन सकता है, आइए जानते हैं योजना के सार के जरिए। तरक्की के बावजूद देश की एक बड़ी ग्रामीण आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। अध्ययनों ने विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण गरीबी की दर का अनुमान लगाया। कई प्रयासों के बावजूद ग्रामीण गरीबी सभी स्तरों पर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ग्रामीण गरीबी की चुनौती को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साल जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के रूप में एक योजना शुरू की थी। बाद में NRLM का नाम बदलकर DAY NRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य करीब 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना और फिर उन्हें दीर्घकालिक सहायता प्रदान करना है। ऐसी सहायता जिससे उनकी आजीविका में विविधता आए, साथ ही उनकी आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। 29 मार्च 2016 से ये एक तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से अलग अलग परियोजनाओं को निधि देती हैं। इस निधि में केंद्र की हिस्सेदारी 75% और राज्य की 25% है। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मामले में केंद्र का हिस्सा 90% तक पहुँच जाता है। मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़ी है। जिला स्तर पर जिला प्रशासन के नियंत्रण में एक जिला मिशन प्रबंधन इकाई योजना और कार्यान्वयन का काम देखती है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई मिशन की गतिविधियों को लागू करती है। मिशन को चरणबद्ध लेकिन गहन तरीके से लागू किया जाता है। मिशन का मकसद गरीबों के लिए टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना है। ये काम तभी होगा जब औपचारिक क्रेडिट तक उनकी पहुंच होगी। आजीविका के विविधीकरण और मजबूती के लिए उन्हें समर्थन मिलेगा और सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी पहुंच बनेगी। ये योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है। सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश ही इससे अछूते रह गए हैं। इस तरह ये योजना देश के 723 जिलों के 6,800 से भी अधिक ब्लॉकों में काम कर रही है। 81 लाख स्वयं सहायता समूहों की 8,71,00,000 महिलाओं को इससे जोड़ दिया गया है। जिस स्तर पर काम हो रहा है उसे देखते हुए लगता है कि 2023-24 तक सभी ग्रामीण गरीब परिवार इस मिशन से संगठित हो जाएंगे। कोरोना के दौरान स्वयं सहायता समूहों ने जबरदस्त काम किया और करीब 17 करोड़ मास्क और 5 लाख से ज्यादा सुरक्षा उपकरण तैयार किए। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा सैनिटाइजर का उत्पादन और 1,22,000 से अधिक सामुदायिक रसोइयों का संचालन ये समूह कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सघन ब्लॉकों में टिकाऊ कृषि, पशुधन और NTFP को बढ़ावा दे रहा है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अलावा कृषि पारिस्थितिक प्रथाओं के साथ साथ फसल और पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए पशुधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल है। गैर कृषि रणनीति के तहत स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम यानी SVEP पर काम हो रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है। SVEP के तहत 2016 से लेकर अब तक 2,21,000 से अधिक उद्यमों को समर्थन दिया गया है।
तो ये था योजना का सार। जान लिया ने आपने कि ये मिशन आखिर है क्या, इससे संबंधित और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ओ हरी भैया। अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी कब आ रहे हो आप? बस चलिए मैं पहुंचता हूँ, अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पेमेंट फेल लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल? मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। अभी तक हमने इस मिशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है, लेकिन आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का और इस मिशन को और बेहतर तरीके से समझते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जी हाँ, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमारे साथ। आइए सबसे पहले तो परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री चरणजीत सिंह जी, बता दें ये अतिरिक्त सचिव हैं ग्रामीण आजीविका ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि ये मिशन आखिर है क्या। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जी, ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्व सहायता समूह के रूप में ग्रामीण गरीब महिलाओं को इकट्ठा कर रहा है। हम क्या है कि 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनाते हैं जी। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हम हर जो भी गांव में गरीब परिवार है उससे एक महिला को लेते हैं। और इस प्रकार 2013-14 से जो हमारी यात्रा शुरू हुई उसमें आज तक हम 9.25 करोड़ परिवारों को जोड़ चुके हैं और 81 लाख जो है स्व सहायता समूह इस प्रकार बना चुके हैं जी। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह हम कह सकते हैं कि कितने सारे बन चुके हैं, 81 लाख तक जैसे आंकड़े बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। महिलाओं को ही आखिर क्यों जोड़ने की कवायद है इस मिशन में, आप इसके बारे में बताएं। क्या पुरुषों को नहीं जोड़ा जा सकता है, केवल महिलाएं ही क्यों? नहीं, एक इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद गरीबी हटाने के साथ साथ ये भी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जी। क्योंकि और हमने देखा है कि जहां महिलाएं जुड़ के एक साथ काम करती हैं, उस कहते हैं कि कहे चाहे वो योजना हो या कोई भी कार्य लिया जाए, उसके जो नतीजे हैं बड़े प्रभावशाली रहते हैं जी। बिल्कुल, तो इसी मकसद से महिलाओं को खासतौर पर इस मिशन से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, इसी उद्देश्य के साथ ये प्रावधान रखा गया है कि इस मिशन में महिलाओं को जोड़ा जाए, उन्हें आगे बढ़ने में मदद की जाए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि आप गाँव से हर एक घर से एक एक महिला का यहाँ पर चयन होता है, तो वो चयन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया रहती है? इसमें क्या है कि हमारे जो भी काम करने की प्रक्रिया है बड़ा इसका सिस्टमेटिक ढंग से पूरा कार्य किया जाता जी। है हम क्या है कि पहले कुछ ब्लॉक्स में जाते हैं, जैसे एक जिले में हो सकता है 10 से 11 ब्लॉक हो, तो पहले हम एक ब्लॉक में जाते हैं। एक ब्लॉक में कैसे जाते हैं, हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन रहते हैं जो कि हमारी महिलाएं जो पहले से हमने ट्रेन करी हुई हैं अच्छी तरह, जिनको योजना के बारे में बता रखा है, वो उस ब्लॉक के गांव में जाके गांव वासियों को समझाते हैं कि अगर आप इस योजना से जुड़ेंगे तो आपको क्या फायदा होगा जी। तो फिर ये गांव में जाके पूरा उसको एक्सप्लेन करते हैं। और एक हमारे पास डाटाबेस है जो कि सेक डेटा भी कहते हैं, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें कितने गरीब परिवार उस गांव में हैं,
तो ये उन घरों में जाके उनको कहते कि जाके उनसे मिलती हैं और उनको समझाती हैं कि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ें। लेकिन हम पूरी तरह ये SCCC डेटा पे भी पूरी तरह नहीं रहते। अगर हमें लगता है कि कुछ गांव में और भी गरीब हैं जो इस डाटा से छूट गए हैं, तो ग्राम वाले उसमें खुद बैठ के भी उनको छांट सकते हैं कि नहीं, हमारे ये लोग हैं, इनको भी जोड़ा जाए, तो उनको भी हम इसके अंदर जोड़ते हैं और उनका समूह बनाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए पूरी प्रक्रिया क्या रहती है, चयन किस तरह से होता है, ये तो हमने जान लिया। अब स्वयं सहायता समूह तो बन गया, उसके बाद क्या किया जाता है, क्या प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में भी बताएं। तो हमारा ये पहला मकसद तो ये रहता है कि इस समूह को बनाने के बाद उनका एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाए। बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसमें उनको हर महिला को कहा जाता है कि जैसी उसकी क्षमता हो, चाहे 10 रुपए जमा कर पाए, चाहे 20 रुपए जमा करवाए, तो ये सब लोग नियमित रूप से उसके अंदर अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। कोई निश्चित राशि होती है या हर महिला अपनी इच्छा से यहाँ पर राशि जमा कर सकती है? वो समूह अपना बैठ के डिसाइड करता है कि नहीं, हम तो जो है कि ये बहुत गरीब है, 5 रुपए ही प्रति सप्ताह या जैसे भी उनको अच्छा लगे, हमने पूरी छूट दी हुई है, हमारी तरफ से कोई नहीं है, तो जैसी उनकी क्षमता है वो जमा करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कैसे वो पैसा जमा कर रहे हैं, कैसे उसका अकाउंट लिख रहे हैं, क्या नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं, क्या उस जो पैसा जमा कर रहे हैं उसको वो लोन भी फिर कहते हैं आपस में ही किसी सदस्य को दें, फिर वो लोन जो इंटरेस्ट के साथ जमा करें। तो इस प्रकार हम पूरा उनको कहते हैं कि समझाते भी हैं और उसका पूरा वाच करते हैं कि क्या इस प्रकार वो कार्य कर रही है। और अगर जैसे आपने कहा कि यहाँ पर राशि जमा की जाती है, फिर उसी में से लोन लिया जाता है और इंटरेस्ट के साथ लोन वापस सही समय पर अगर कर दिया, फिर ये प्रक्रिया चालू रहती है, आगे बनी रहती है? ये प्रक्रिया क्या है कि फिर हम देखते हैं कि 3 महीने तक अगर उन्होंने अच्छे ढंग से कार्य किया है, हम उनकी ग्रेडिंग करते हैं SHGs की। अगर वो हमारी ग्रेडिंग में खरे उतरते हैं तो फिर उनको 10,000 से 15,000 रुपए एक रिवॉल्विंग फंड के रूप में हम उस समूह को देते हैं जी। फिर ताकि उनका जो कॉर्पस है या किटी है जिससे वो लोन ले सकते हैं या जमा कर सकते हैं, वो बढ़ती जाती है। फिर उनको 3 महीने तक हम और देखते हैं, फिर अगर देखते हैं कि फिर उनका कार्य अच्छा है और नियमित रूप से, जो हमने कहते हैं इसको कहते हैं पांच सूत्र या पंच सूत्र कहते हैं। पंच सूत्र यही कि नियमित राशि जमा करना, उसका अकाउंट रखना, बैठक करना, लोन देना और लोन जमा करना। तो फिर हम उनको एक कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड देते हैं जो कि 1 से 2.5 लाख रुपए के लगभग होता है, ताकि उनका कॉर्पस और बड़ा हो जाए, उनके पास अच्छी राशि हो और अच्छी राशि लोन लेके वो कुछ भी कार्य करना चाहे, चाहे वो किराना की दुकान खोलना चाहे, चाहे गाय खरीदना चाहे, भैंस खरीदना चाहे या और कुछ भी काम करना चाहे, तो उस पैसे से वो कर सकती है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि अगर 6 महीने तक लगातार यहाँ पर अच्छी तरह से जो 5 सूत्र बताए हैं उनका पालन किया जा रहा है, तो देखिए सरकार की तरफ से काफी अच्छी राशि आपको यहाँ पर सहायता के रूप में दी जाती है, ताकि आप स्वरोजगार के नए नए अवसर की ओर अपने कदम बढ़ा सकें। क्या सिर्फ 6 महीने के तक ही देखा जाता है या उसके बाद भी कुछ राशि दी जाती है? नहीं, फिर क्या है कि हम तो ये तो एक बड़ा हमारा लॉन्ग प्रोसेस है, ये स्कीम ऐसे नहीं है कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाए। जब हमने देखा कि उनके पास ये कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड आ गया और इसका भी वो यूटिलाइजेशन अच्छे ढंग से कर रहे हैं, फिर हम ऐसे समूहों को बैंक के साथ जोड़ते हैं, बैंक से उनको लोन दिलवाते हैं। अब क्या है कि बैंक को नहीं तो वैसे बड़ी दिक्कत रहती है कि वो जानता नहीं है कि ये आदमी लोन वापस करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जब वो देखता है SHG का तो ये कहते हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, ये तो लोन लेते भी हैं और जमा भी कराते हैं, तो बैंक वाले भी बड़े खुशी खुशी लोन देने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर हम उनसे बैंक का लिंकेज करवाते हैं और फिर क्या है कि वो उसका भी हमने एक कहते कि डोसेज बना रखी है, फर्स्ट डोसेज, सेकंड डोसेज, थर्ड डोसेज। पहले डोसेज हम उसको कहते कि 1.5 लाख रुपए तक देते हैं, फिर उसको 3 लाख देते हैं, फिर उसको 6 लाख देते हैं, ताकि उनकी राशि बढ़ती रहे और बड़ा बड़ा काम फिर वो SHG करते रहें और वो आगे बढ़ते चलें। तो आपको जान के ये बड़ी खुशी होगी कि हमने ये 2013-14 में जब से ये स्कीम शुरू हुई है, हम लगभग 6 लाख करोड़ रुपया इन स्वयं सहायता समूहों को बैंक से लोन दिलवा चुके हैं। ना केवल लोन दिलवा चुके हैं, इन समूहों ने वो लोन वापिस भी किया है। मतलब इन जो हमारे समूहों का NPA लगभग 2% है, जो मैं मानता हूं कि कहीं भी ये पॉसिबल नहीं है कि इतना कम कहते कि कहीं भी NPA हो।
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हमें सारी ही कह सकते हैं कि सकारात्मक तस्वीर ही दिख रही है और महिलाएं जो हैं बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं, साथ मिल रहा है उन्हें हमारी सरकार के इस अद्भुत मिशन का। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे यहाँ पर शुरुआत हुई मान लीजिए 15 महिलाओं से स्वयं सहायता समूह उन्होंने बनाया, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है क्या उसमें और भी मेंबर्स को जोड़ा जा सकता है या फिर समूह जो है 15 मेंबर्स का ही रहेगा? नहीं, समूह तो हमारा लिमिट है कि 10 से 15 का ही रहता है, लेकिन अगर वो गांव में हो सकता है कि परिवार बढ़ गए हो या कोई और आ गया हो या कोई छूट गया हो तो एक नया समूह उस गांव में कहते बनाया जा सकता है, वो ही 10 से 15 सकता है। लेकिन जो पहले से चल रहा है उसमें हम जोड़ नहीं सकते हैं। और एक और अहम सवाल है कि ये जो राशि है केवल वो समूह वाले ही जो लोग हैं या फिर मेंबर्स हैं वही उपयोग कर सकते हैं या फिर बाहर भी ऋण दिया जा सकता है? नहीं, ये जो है ये समूह का पैसा है तो समूह के सदस्य ही वो इसको कहते कि उपयोग कर सकते हैं, बाहर किसी को देने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। कोई पोर्टल है इस मिशन का या फिर वेबसाइट पर कोई जानकारी हो जिससे अगर कोई जुड़ना चाहे इस मिशन से तो वो जुड़ सके? हाँ, हमारा कहते पोर्टल है, हमारे दो पोर्टल हैं, एक तो आजीविका के नाम से है और दूसरा NRLM के नाम से है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारे जो कहते कि ब्लॉक लेवल पे भी स्टाफ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्टाफ है और कहते कि राज्य स्तर पर भी स्टाफ है, उनसे भी संपर्क करके इनसे जुड़ा जा सकता है। बिल्कुल, तो जुड़ा जा सकता है, अपना स्वयं सहायता समूह बनाया जा सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। देखिए कितने फायदे हैं इस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के, जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ लगातार हमें बता रहे हैं यहाँ पर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक कोई ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर जिक्र करना चाहें कि महिलाओं ने किस स्तर तक उन्नति की है यहाँ? मतलब ऐसे तो बहुत से मेरे पास एग्जांपल हैं, लेकिन मैं आपको दो जरूर कहते कि यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो मैं कहते कि बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है झांसी की, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। हम क्या है कि ये तो हमने बैंक के लिंकेज के साथ एक काम कर दिया, हम दूसरा उनको ये भी कहते कि सिखाते हैं आप और भी उद्योग भी खड़ा कर सकते हैं आपस में मिलके। तो ऐसे ही हमने झांसी में ये बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी 2019 में शुरू करी। ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जो कि आपको पता होगा कि यूपी का जो सदर्न यूपी का काफी बैकवर्ड एरिया, वहां हमने ये कंपनी खड़ी करी। ये कहते कि आपको जान के खुशी होगी कि हमने बड़ा ये छोटी स्तर से काम शुरू किया था और आज इसके सदस्य जो 53,000 से ज्यादा इसके कहते कि सदस्य हो चुके हैं और जो वो डेली मिल्क कलेक्शन है उनका 1.1 लाख करोड़ है और मदर डेरी इसको कहते कि दूध इनका लेके जाती है, जो दिल्ली के वासी दूध पी रहे होंगे हो सकता है कि उसमें वो झांसी का दूध जो हमारी कंपनी कर रही है इकट्ठा वही दूध जो है दिल्ली वासी यहाँ पे ले रहे हों। और इससे बड़ी खुशी की बात है कि ये जो पूरी 53,000 है ये महिलाएं हैं और इनका बोर्ड है कहते कि 10 महिलाओं का, वो भी मतलब उसी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही हैं। और जब से ये स्टार्ट हुई है तो 413 करोड़ का तो कंपनी जो है टर्नओवर कहते कि कर चुकी है। और अब ये केवल कंपनी दूध इकट्ठा करने पे ही काम नहीं करते, ये हम कहते कि वैल्यू चेन के पूरे उसको चेन को एड्रेस किया जाए, कैसे ताकि उसका अगर कोई जानवर की नस्ल सुधारने का काम करना हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना हो, फोडर डेवलपमेंट कराना हो, मिनरल मिक्सचर करना हो, एथनो वेटनरी प्रैक्टिसेस करनी हो, जानवरों की बीमारी दूर करनी हो, वो सब करते हैं। फिर क्या कि अब ये महिलाएं और भी आगे बढ़ रही हैं, अब उन्होंने घी बनाना शुरू कर दिया है और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने झांसी में एक और नया काम शुरू किया है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, उन्होंने मोबाइल ATM वैन शुरू कर दी है। तो कहीं भी वो आप कहते कि दूध जो है उस वो ATM वैन से कहते कि ले सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं उपलब्धि है यहाँ पर, और वो भी केवल महिलाएं यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं इतनी अच्छी कंपनी खोलकर, इतना विस्तार उन्होंने किया है, विकास उन्होंने किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये मिशन काफी मददगार साबित हो रहा है। जैसे आपने झांसी में यहाँ पर मदद की है उद्योग स्थापित करने में, अन्य स्वयं सहायता समूह जो है उन्हें भी यहाँ पर उद्योग को स्थापित करने में मदद मिलती है? बिल्कुल मदद मिलती है, पूरी प्रशिक्षण से
से लेकर पूरी जानकारियां यहां पर उन तक पहुंचाई जाती है। बिल्कुल, हम क्या है कि ऐसे नहीं, कंपनी को 3 साल तक पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं, प्रोफेशनल हेल्प उनको दिलवाते हैं। जैसे ये मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, इसको जो NDDB संस्था है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, वो इनकी हेल्प कर रहा है। 3 साल के बाद फिर वो छोड़ देंगे, फिर वो कंपनी खुद इतनी सशक्त हो जाएगी कि अपने आप को चला सकती है। इसके बाद बस मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको, जब इतनी ताकत मिलती है तो कई जो इसके फायदे निकलते हैं वो तो हमने सोचा भी नहीं था। मैं अभी कुछ दिन पहले डिंडोरी गया था, जो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही मतलब इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां मुझे जो कुछ जो है महिलाओं से बातचीत करने का मौका मिला, तो उसमें से एक महिला ने मेरे को बताया कि सर मैं तो जो है सरपंच के चुनाव के लिए खड़ी हुई थी, तो सारी महिलाओं ने मेरे को निर्विरोध कहते कि निर्वाचित करवा दिया। इस प्रकार से 710 जो है कहते कि पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में हमारी महिलाएं जो है चुनी गई हैं। और वो कह रही थी सर अगली बार तो मैं सोच रही हूँ कि MLA का चुनाव लड़ लूं। जी बिल्कुल, तो महिलाएं अगर साथ में यहाँ पर आ जाएं तो किसी भी काम में सफलता हासिल कर सकती हैं, बस उन्हें साथ थोड़े बहुत साथ या फिर कहें बढ़ावे की जरूरत होती है, जो ये मिशन बखूबी दे रहा है। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह बनाकर आप भी अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती हैं, आत्मनिर्भर बना सकती हैं। अंतिम मैं आपसे यहाँ पर सलाह लेना चाहूंगी, मशवरा लेना चाहूंगी, हमारी देश की महिलाओं को क्या कहेंगे इस मिशन से कर वो किस तरह से अपने जीवन में बदलाव लाएं? नहीं बिल्कुल, मैं तो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करने का मौका मिला। जब कहते कि किसी भी महिला के हाथ में खुद का पैसा आता है, एक जो उसके अंदर विश्वास आता है जी, वो मतलब उसको आप कहीं कंपेयर नहीं कर सकते, ना उसको अपने कहते पति से, ना पिता से, ना बेटे से पैसे की आवश्यकता है। जो खुद का कमाया होता पैसा है वो कैसे भी खर्च करे, उसको खर्च करने का जीवन का आनंद ही कुछ और है। तो मैं तो सबसे ये निवेदन करूंगा कि जो भी ऐसा फील करती हैं कि नहीं उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए बिल्कुल कहते सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल, तो सफलता के रास्ते आपको खोलने हैं अपने लिए, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आप जरूर जुड़िए। छोटे स्तर पर शुरुआत जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगी और वो जो आपका हम कहें क्षेत्र है वो काफी बढ़ जाएगा और इससे फायदा आपको ही मिलेगा। ये मिशन आपकी मदद के लिए है, आपको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जिससे कई करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, आप भी हो सकती हैं। किस तरह से, हमारे विशेषज्ञ ने उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दे दी है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम हमारे मेहमान का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे साथ आप यहां पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, अब इस मिशन का हिस्सा जरूर बनेंगी और अपने आप को आत्मनिर्भर जरूर बनाएंगी। तो इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन आपको साथ ही बता दें कि कुछ जानकारी आप हमसे साझा करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है आपके पास, तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, सरकार आपके साथ @gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां हमारा पेज खुलेगा, वहां आप पोस्ट कर सकते हैं कोई सवाल या फिर सुझाव, साथ ही आप साझा भी कर सकते हैं हमसे एक फोन कॉल के जरिए। जी हाँ, टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा, टोल फ्री नंबर है 1800-113-0060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मन की बात है
जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से होता है आर्थिक नुकसान। बुखार, सुस्ती और नीले धब्बे हैं इसकी पहचान। घातक है बीमारी, कर सकती है सभी को परेशान। थोड़ी सी जानकारी बचा सकती है शुगर की जान। देखिए शुक्रों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर, लक्षण और बचाव। अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कैसी ईंटों से बनेगा चंद्रमा पर घर? जर्मनी में हो रहा है प्रयोग। चंद्रमा पर इमारतें बनाने के लिए धरती से निर्माण सामग्री ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे में किस आइडिया पर काम चल रहा है, जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। हम जा रहे हैं राजस्थान के एक उत्सव का हिस्सा बनने। राजस्थान के बहराना गांव में जहां मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है, 100 ग्राम बाजरा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बारहमासी खाने की आदत बना ले तो जो कुपोषण हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है, हम उसको बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे हमारी संस्कृति के अनेक रंग और जानेंगे पौष्टिक आहार की गुणवत्ता और स्वाद के बारे में। चलो गांव चले, मिलेट उत्सव स्पेशल देखना ना भूले इस रविवार रात 8:30 सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई है जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। पहले किसानों को ये पता नहीं था कि हमें जमीन में कौन सा खाद डालना है, कौन कितना डालना है। स्वास्थ्य कार्ड से हमें पता चला कि जमीन में हमें कितना खाद डालना है, कौन सा खाद डालना है। और हमें पहले पोषक तत्वों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी, जिससे हम जैसे आयरन है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कैल्शियम है, आयरन है, हम सिर्फ यूरिया और डीएपी ही डिपेंड रहते थे। इसलिए फिर हमने बाद में जब हमने इस स्वास्थ्य कार्ड योजना से हमें सूक्ष्म तत्व सब का पता चला और हमारा इसमें उत्पादन भी बढ़ा और खाने में जो थे सारे तत्व आ गए, उससे पौष्टिकता से भी बढ़ी। इसे भैया प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है। कैसे रमाकांत, क्योंकि तुम जैसे छोटे लोग अपनी सारी जिंदगी ये सपना देखते देखते गुजार देते हो कि दूसरों की दौलत कैसे हासिल की जाती है। अपने ये आंसू पूछ डाले और मेरे वजूद से बाहर निकलने की कोशिश कर, अपना एक वजूद बना।
के साथ बदलते भारत की शान। फूल वाला, किटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है, बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा लाइए, मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं।